अंकल प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो अंकल। बस की बात सुन लो अंकल, प्लीज सुन लो अंकल। रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना पर आई वे, होया की जे तू मैं तू दूर हो गया, सुपना दोहा दा चूरो चूर हो गया। तू तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, निकल जाए यहाँ से। अंकल एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे नहीं सुनना कुछ, निकल जाए यहाँ से। अंकल हम एक दूसरे पे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो ना। कुछ नहीं सुनना मुझे, निकल जाए यहाँ से। अंकल प्लीज। देख बेटा, तू इस घर की इज्जत से है, तू बाहर की सेहत है, नू प्यार करती हंडेगी तो तेरा बाप इस समाज में के मुंह दिखाओगा। इस समाज की बदनामी तो बढ़िया से है, मैं जहर खाकर मर जाऊं। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत बोलो, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। ठीक है बेटा, दो दिन बाद मेरे दोस्त का छोरा हमारे घर आओगा और वो कुछ दिन आड़े रुकेगा। उसने अच्छी तरह जान लिए, पहचान लिए, उससे तो तेरी शादी होगी। मुझे माफ करना, मेरे पापा मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं और मैं अपनी खुशी के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। शायद हमारा साथ यहीं तक का था, हो सके तो मुझे भुला देना। तुम्हारी रिंकी। तुम्हारी शादी कब होगी? तुम मेरे घर रिश्ता लेके कब आओगे? आऊंगा मेरी जान, बहुत जल्दी आऊंगा और अपनी जान को ब्याह कर ले जाऊंगा, फिर हनीमून और दो छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, तुम ऐसे ही सपने सजाते रहना और मुझे तुमसे कोई और चुरा के ले जाएगा। Hi. You must be Rinki, right? Hi, I'm Akash. Dekha pehchan liya? Oh, I know, I'm so excited. By the way, the washroom badi zor se lagi hai yaar. Oh, thank you. Oh, hi uncle. Wait a second, abhi aaya. और बेटा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? ये एड्रेस बताओगे आप? आगे से राइट। भाई साहब, आपका राइट कि मेरा राइट? अंकल मेरे से कोई परेशानी हो नहीं सकती। नाउ टेल मी वेयर इज माय रूम, आई एम सो टायर्ड अंकल। तुम्हारा रूम ऊपर है बेटे। ओके थैंक यू अंकल। आज के लिए इतनी इंग्लिश काफी है। क्या वो इंप्रेस हुई होगी?
अंकल जी। हाँ बेटा। वो मैं मार्केट जा रहा था तो आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा आप चले जाओ। अच्छा अंकल, इतनी धूप में ऑटो तो मिल जाएगा ना? अरे बेटा ऑटो से क्यों जाओगे, अपनी गाड़ी है ना। अरे अंकल मैं क्या करूँगा गाड़ी का, मुझे तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है, अगर खो गया तो। बेटा रिंकी को साथ ले जाओ। रिंकी बेटा। जी पापा। बेटा आकाश को मार्केट जाना है, तुम साथ से ले जाओ। ठीक है। अरे शॉपिंग तो सारी हो गई, चले। हाँ चलो। ओ शिट, एक चीज तो भूल ही गया, मैं अभी आता हूँ, 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट। क्या हुआ रिंकी? कुछ नहीं। अच्छा चलो बैठो चलते हैं। खराब कर रहा है, उसे भूल जाने में ही तेरा फायदा है। मेरी बात तेरे पल्ले पड़ भी रही है? नहीं अंकल। हाँ बेटा। वो मेरे लैपटॉप में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे बहुत जरूरी मेल सेंड करनी थी, आपके पास कोई लैपटॉप होगा? नहीं बेटा मैं तो कोई लैपटॉप यूज करता नहीं। हाँ रिंकी के पास है, रिंकी के कमरे में होगा। अच्छा ओके, थैंक यू अंकल। अरे वो मेरा लैपटॉप ना खराब हो गया तो लैपटॉप लेने आया था, 5 मिनट में अभी मेल करके वापस कर देता हूँ, जब तक तुम मेरे लैपटॉप का ध्यान रखो। ये रोज सिर्फ एक रोज नहीं है, इस रोज के साथ मेरी जिंदगी की एक बहुत खूबसूरत याद जुड़ी है जो मैं चाह के भी नहीं भुला सकती और शायद भुलाना चाहती भी नहीं। खूबसूरत चीज़ों को भूलना कौन चाहता है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन मुकुल ने मुझे प्रपोज किया था। उसकी प्रपोज करने का तरीका इतना प्यारा था कि मैं मना ही नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरी जिंदगी का इतना खास हिस्सा बन जाएगा कि उससे दूर जाना इतना मुश्किल हो जाएगा।
हमने भी बहुत सपने देखे, फ्यूचर के, शादी के, बच्चों के, बहुत कुछ, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ये था ही नहीं। बस अपनी फैमिली की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को छोड़ दिया। हम खुद चाहते थे कि हम अपनी फैमिली को सब कुछ बता दें, लेकिन टाइम से पहले ही मेरे पापा को सब पता चल गया और उनके प्यार के चक्कर में मेरा प्यार खो गया। मुकुल, मैनू छेती छेती मिल ढोलना, मैं तो ठीक नहीं हूं तेरे बिन। भगवान से दुआ ये करूंगा कि उस काशी इस जैसा ना। इस इश्क दा शायद कोई इतिहास नहीं, हक जताया मिलदा कदे आकाश नहीं, सागर कंडे बह के बुझी प्यास नहीं, सुपने दे विच मिलदे हां जिंदगी विच कोई आस नहीं।